नमस्कार, मैं हूं सुरजीत सिंह और आप देख रहे हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। आज हम बात करेंगे एक केस लॉ की जो कि संबंधित है सेक्शन 4 इंडियन पेनल कोड से। आईपीसी का सेक्शन 4 कोई भी ऑफेंस के टेरिटोरियल नेक्सस यानी कि टेरिटोरियल एक्सटेंट क्या है, कहीं कोई दुनिया के किसी भी देश में कोई भारतीय नागरिक अगर ऑफेंस करता है तो उसको भारत में ट्रायल फेस करना पड़ेगा, भारत में उसको दंड दिया जा सकता है। क्या कोई व्यक्ति जो भारत का नागरिक नहीं है और कोई ऑफेंस करता है और उसके बाद वो भारत का नागरिक बन जाता है तो क्या उसको भी ट्राई किया जा सकता है? ऐसा ही एक इंटरेस्टिंग केस जो है वो है सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया वर्सेस रामनारायण का केस। 1946 में मुल्तान जिले में एक बिजनेसमैन रहता था रामनारायण। उसका अच्छा बिजनेस था और वो सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया से पैसे लेता है करीबन 3 लाख रुपए। वो 3 लाख रुपए लेता है और उसके बदले में वो सिक्योरिटी देता है जो कॉटन बेल्स होती हैं, यानी कि रुई कहिए कपास कहिए, वो सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया को सिक्योरिटी के तौर पे देता है। वो उनके स्टोर में रखी जाती है जहाँ भी उनका गोदाम होता है। अब 15 अगस्त 1947 को पार्टीशन हो जाता है और जो भी व्यक्ति वहाँ पर उस गोदाम के और सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया बैंक ब्रांच के अधिकारी या कर्मचारी होते हैं वो वहाँ से निकल लेते हैं या भाग लेते हैं, क्योंकि पार्टीशन हुआ है और अब मुल्तान पाकिस्तान का हिस्सा हो गया। उसके बाद कुछ महीने बाद यानी कि नवंबर के लास्ट तक जाते जाते पता चलता है कि एक बैंक का एजेंट वहां पहुंचता है तो उसको पता चलता है कि गोदाम खाली हो गया है और जहां पर रामनारायण की जो सिक्योरिटी बैंक के पास रखी हुई थी वो चुरा ली गई है। और बाद में उनके इंक्वायरी करने पे पता चला कि वो रामनारायण ने कहीं बेच दी है पाकिस्तान में। और उसके बाद जो है रामनारायण आ गया था भारत, भारत में यानी कि गुड़गांव के पास होडल में उसने अपना बिजनेस शुरू किया। तो सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया ने उसके खिलाफ जो आईपीसी के ऑफेंसेस के अनुसार भारत में भारत सरकार से कही या स्टेट गवर्नमेंट से स्पेसिफिकली, क्योंकि उसमें जो सैंक्शन लेना है सीआरपीसी के सेक्शन 188 के अनुसार और उसको सेक्शन 4 के अनुसार जो है ये मानते हुए कि उसने ऑफेंस किया और उसको ट्राई किया जा सकता है। और उसके जो ऑफेंस थे वो 380 यानी कि थेफ्ट का था और उसके बाद 412 सेक्शन 412 आईपीसी और 454 यानी कि ट्रेसपासिंग लर्किंग हाउस ट्रेसपास, तो वो सब उसके ऊपर इल्जाम थे आईपीसी के ऑफेंसेस के और सरकार की तरफ से प्रोसिक्यूट करने के सेंक्शन मिल जाते हैं। मजिस्ट्रेट को वो कहता है कि आप नहीं कर सकते क्योंकि मैं तो भारत का नागरिक ही नहीं था, मैं तो पाकिस्तानी नागरिक था जिस समय ये सब हुआ, तो आप ये मुझे प्रोसिक्यूट नहीं कर सकते। लेकिन उसका जो ऑब्जेक्शन होता है प्रिलिमिनरी ऑब्जेक्शन उसको सेटिसफाइड करते हुए मजिस्ट्रेट उसके खिलाफ जो है ऑर्डर कर देते हैं। सेशन कोर्ट में भी जो है उसका जो ऑर्डर होता है उसके खिलाफ वो अपील किया जाता है। लेकिन जब हाई कोर्ट में उस समय जो ईस्ट पंजाब हाई कोर्ट था वो शिमला में लगता था, क्योंकि पार्टीशन के बाद लाहौर से ईस्ट पंजाब हाई कोर्ट शिमला बैठता था, शिमला से कार्रवाई होती थी, तो वहाँ पर ईस्ट पंजाब हाई कोर्ट का शिमला में जब ये हियरिंग हुई तो कोर्ट ने माना कि जो 15 अगस्त 1947 को जब पार्टीशन हुआ तो उसके बाद रामनारायण जो है पाकिस्तान का नागरिक हो गया। और जिस समय नवंबर के बीच में जो ये आप कहते हो कि इसने ये सब किया है, जो चोरी की है या ट्रेसपासिंग की है, उस समय वो पाकिस्तान का नागरिक था और पाकिस्तान का नागरिक होने के चलते उसके ऊपर आईपीसी के ऑफेंस के तहत रिट्रोस्पेक्टिवली ट्राई नहीं किया जा सकता और ये भी नहीं माना जा सकता कि वो भारत का नागरिक उस समय था। और ऐसा कहते हुए हाई कोर्ट ने रामनारायण के पक्ष में जो है डिसीजन दिया। उसके बाद हाई कोर्ट से सर्टिफिकेट लेते हुए सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया सुप्रीम कोर्ट आया और सुप्रीम कोर्ट में भी ये बातें रखी गई। सुप्रीम कोर्ट में अटॉर्नी जनरल उस समय एमसी शीतलवाड़ जी थे और उन्होंने ये पक्ष रखा कि चूंकि
जैसे ही पार्टीशन हुआ तो रामनारायण और उसकी फैमिली मुल्तान में थी और वो पार्टीशन के चलते पाकिस्तान में चली गई थी, तो उसने अपने परिवार के लोगों को इमीडिएटली जितना जल्दी हो सकता था हिंदुस्तान भेज दिया था, और उसके बाद उसने वो ऑफेंस कमिट किया है और उसके बाद वो भारत आ गए। तो उनका ये कहना था, एक बात तो ये है कि उसकी इंटेंशन कभी पाकिस्तान में रहने की थी ही नहीं, दूसरी बात यह है कि उसके पास ना वहाँ का डोमिसाइल था ना वो वहाँ का रेजिडेंट था, इसलिए वो वहाँ का सिटीजन भी नहीं था, और वो क्योंकि पार्टीशन के साथ ही उसकी इंटेंशन क्लियर हो गई थी कि वो भारत आना चाहता है, इसलिए वो भारत का नागरिक ही था। फिर सुप्रीम कोर्ट ने डोमिसाइल की बात भी की कि डोमिसाइल का ऐसे तो कोई डेफिनेशन नहीं है, लेकिन बाय एग्जांपल ये होता है कि कोई व्यक्ति जहाँ रहता है परमानेंटली वही उसका डोमिसाइल होता है, और हाई कोर्ट ने भी ये माना था और सुप्रीम कोर्ट ने भी ये कहा कि क्योंकि मुल्तान में ही रामनारायण पैदा हुआ था, उसके पुरखे भी मुल्तान से ही थे, तो इसलिए ये नहीं कहा जा सकता कि वो पार्टीशन होते ही भारत की तरफ आना चाहता था, और केवल अपने बीवी बच्चों को भारत भेजने देने से ये क्लियर नहीं हो जाता है कि वो भी आना चाहता था, क्योंकि जब तक कोई आदमी दूसरे जगह आ करके दूसरे देश आ करके वहाँ का डोमिसाइल एक्वायर ना कर ले तब तक वो वहाँ का सिटीजन नहीं होता, और केवल केवल इंटेंशन से बात नहीं बनेगी, क्योंकि फैक्ट और इंटेंशन दोनों, फैक्ट ऑफ रेजिडेंस और इंटेंशन दोनों होगा तभी आप ये कह सकते हैं कि वो वहाँ का नागरिक नहीं था और भारत का नागरिक हो गया था। इसके अलावा भी उन्होंने जो अटॉर्नी जनरल की तरफ से ये भी बात कही गई कि जो आईपीसी का सेक्शन 4 है और सीआरपीसी का सेक्शन 188 है, वो ये कहता है कि क्योंकि वो ब्रिटिश इंडिया के टाइम का लॉ था तो उसके हिसाब से ये कहता था कि भाई जो ब्रिटिश इंडिया का जो भी सब्जेक्ट है, तो उस पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि ये ब्रिटिश इंडिया सब्जेक्ट जो है 15 अगस्त 1947 को ख़त्म हो गया, और उस दिन जब दो डोमिनियन बन गए तो एक जो है भारत और एक पाकिस्तान, और बाय वर्च्यू ऑफ दैट पार्टीशन राम नारायण जो है पाकिस्तान का नागरिक हो गया था, और जब तक वो यहाँ आकर के सेटल नहीं हुआ तब तक तो वो भारत का नागरिक था नहीं, वो पाकिस्तान का ही नागरिक था। हाँ, संविधान लागू होने के बाद संविधान के जो आर्टिकल 5 है उसमें ये दिया गया है कि किसकी क्या इंटेंशन थी और उसके हिसाब से कैसा माना जाए, लेकिन जिस समय वो पाकिस्तान से आया उस समय वो पाकिस्तान का नागरिक था और उसके बाद वो भारत का नागरिक बना है और भारत का डोमिसाइल भी उसको बाद में मिला है। तो ऐसा कहते हुए सुप्रीम कोर्ट ने ये इस कॉन्स्टिट्यूशन बेंच की जजमेंट में बताया कि जो फॉरनर है वो अगर कोई ऑफेंस कमिट करता है और उसके बाद वो भारत का नागरिक बन जाता है तो उसके ऑफेंस को रिट्रोस्पेक्टिवली जो है उस पर ऑफेंस ये उसको प्रोसिक्यूट नहीं किया जा सकता, उसके ऊपर ट्रायल नहीं चल सकता उन ऑफेंसेस के चलते, और यही बात जो है रामनारायण के साथ हुई, क्योंकि रामनारायण के बारे में यही कहा गया कि जब तक वो भारत आकर के सेटल नहीं हो गया तब तक वो भारत का नागरिक नहीं था, और जो भी वो चाहे वो 3 महीने का ही पीरियड हो, वो पीरियड जो था वो उस समय रामनारायण पाकिस्तान का नागरिक था क्योंकि उसके पुरखे वहीं रहे थे और उसका बिजनेस भी वहीं था। उस समय ऐसे भी जो परिवार थे हिंदुओं के सिखों के जो ऑब्वियस है कि सेफ्टी रीजन के चलते अपने परिवार को भेजना चाहते थे सेफ फॉर प्लेसेस पे, खुद भी मूव करना चाहते थे, लेकिन केवल इंटेंशन होना और उस पर वर्क करना, इन दोनों में फर्क है। तो सुप्रीम कोर्ट ने इस केस में डोमिसाइल के बारे में भी कुछ बातें कहीं और ये भी बताया कि जो आईपीसी का सेक्शन 4 है वो केवल इंडियन सिटीजन पर लगता है और वो नॉन इंडियन सिटीजन पर उन पर नहीं लगता जो भारत के बाहर जो है कोई ऑफेंस कमिट करते हैं।